नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं जनरल नॉलेज पर आधारित फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही रोचक 10 सवाल और उनके जवाब, और साथ ही लेकर आई हूँ जीके क्विज, जिसमें पूछा जाएगा आपसे एक सवाल। सही जवाब यदि आप हमारे ईमेल आईडी पर भेजेंगे तो आपको मिल सकता है प्राइज जो आपके घर पहुँचेगा। 3 विजेताओं के नाम हम लॉटरी के माध्यम से निकालेंगे, जिनके प्राइज उनके घर में अगले 3 हफ्तों में पहुंच जाएंगे। तो जीके क्विज का क्या है सवाल, वह मैं आपको आखिरी में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं 10 बहुत ही रोचक सवाल और उनके जवाब। आज का विषय है इंडियन फूड, यानी कि भारतीय खाना। तो सबसे पहला आज का सवाल है कि दक्षिण भारत में यानी कि सदर्न इंडिया में खाना पकाने के लिए किस तेल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा तेल है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका जवाब है, जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है, नारियल का तेल। आज का दूसरा सवाल, प्राचीन भारत में यानी कि प्राचीन एंशियंट इंडिया में देवताओं का भोजन किसे माना जाता था, देवताओं का भोजन किस फूड को, किस खाने को माना जाता था, और इसका जवाब है दही यानी कि कर्ड। आज का तीसरा सवाल, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर वड़ा पाव और पाव भाजी बहुत ही प्रसिद्ध है। वड़ा पाव, पाव भाजी बहुत प्रसिद्ध है, और मुझे लगता है आप में सभी को तकरीबन पता होगा। जी हाँ, सपनों की नगरी मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ पर वड़ा पाव, पाव भाजी बेहद प्रसिद्ध है। आज का चौथा सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य मसाला उत्पादन के लिए है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, केरल। आज का पांचवा सवाल, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो बिरयानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। जी हाँ, इसका जवाब है हैदराबाद, वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। और आज का छठा सवाल, ऐसा कौन सा भारतीय स्पाइस है, भारतीय मसाला है, जिसे हम काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और इसका जवाब है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। आज का सातवां सवाल, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें फल, फूल, मिठाई तीनों शब्द आते हैं, फल, फूल, मिठाई तीनों शब्द आते हैं, और यह जिसका नाम है वह एक मिठाई है, गुलाब जामुन, इसका जवाब। आज का आठवां सवाल, भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत 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 खूबसूरत जगह है, मैं बचपन में बहुत गई हूँ, इसका जवाब है असम। आज का नौवां सवाल, जिसका जवाब हम सभी को आना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब है 24 अक्टूबर, जो कि आने वाला है। आज का दसवां सवाल, लिट्टी चोखा, जी हाँ, लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, और इसका जवाब है बिहार। तो यह थे 10 सवाल और उनके जवाब, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते की जीके क्विज के विनर्स कम्युनिटी सेक्शन के माध्यम से बता दिए गए हैं, उनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं, और उनके घर उनके प्राइजेस पहुँच जाएंगे अगले 3 हफ्तों में। और मैं उनसे अपील करूँगी कि जब उनके घर उनके प्राइस पहुँच जाएँ तो प्राइस के साथ वह अपनी अच्छी सी फ़ोटो हमारे ईमेल आईडी पर फिर से शेयर करें, और उनकी फ़ोटो मैं वादा करती हूँ पूरे सबके शिक्षा परिवार के साथ शेयर करूँगी। अब आपको बताती हूँ आज की जीके क्विज के बारे में। आज की जीके क्विज में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, और उस सवाल का सही जवाब आप देंगे हमारे ईमेल आईडी पर, और अगर आपका नाम लॉटरी के माध्यम से निकला तो 3 विजेताओं के घर पहुँचेंगे प्राइज, और मैं उन सभी विजेताओं को आग्रह करूँगी कि जब आपका अगर नाम आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में दिखे अगले हफ्ते तो अपनी फ़ोटो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि आपकी फ़ोटो भी प्राइज़ के साथ शेयर की जाएगी पूरे सबके शिक्षा परिवार के साथ, यानी कि 2 प्राइज़ एक तरह से, एक तो प्राइज़ हमारी तरफ से पहुँचेगा और एक आपका प्राइज़, आपकी फ़ोटो आएगी पूरे सबके शिक्षा परिवार को दिखाई जाएगी। साथ ही मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप हमें जब अपना सवाल का जवाब दें, साथ में अपना नेम, एड्रेस,
और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें। एड्रेस जब आप भेजते हैं आप पूरा एड्रेस भेजिए, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, क्योंकि पिन कोड के बिना कोरियर प्राइस नहीं हो पाते। अपना पूरा एड्रेस, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर सही सही भेजिएगा। साथ ही आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप होम मेकर हैं, जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं तो कौन सी क्लास में हैं आप, उसके अलावा क्या करते हैं, आप कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं अपने बारे में तो आप वह भी लिख सकते हैं, और साथ में आप क्या करते हैं इसके बारे में भी मुझे जानना अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपना प्रोफेशन आप ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अपनी उम्र ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। और आपको ये जानकारी जहाँ भेजनी होगी वह होगा sabkishiksha.in@gmail.com। और सवाल कौन सा होगा जिसका जवाब आपको भेजना होगा, सवाल है कि किस चीज़ की उपस्थिति की वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। ऐसा क्या चीज़ होती है गाय के दूध में जिसकी वजह से गाय का दूध में हल्का सा येलोइश टिंच आता है, ऐसा क्या होता है, तो आपको बताना है इस सवाल का जवाब। और अगर आपने इस सवाल का जवाब सही दिया और आपका नाम ड्रॉ के माध्यम से निकला तो आपको मिलेंगे प्राइज, और आपको अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एज और अपना प्रोफेशन लिखकर ईमेल आईडी के माध्यम से हमारे, जो कि sabkishiksha.in@gmail.com के माध्यम से हमारे तक आपको अपने सवाल का जवाब पहुंचाना है जल्द से जल्द। और जितने जल्दी आपका एंट्री हमारे तक पहुंचेगी उतनी जल्दी हम आपके एंट्रीज का नाम ड्रॉ में डाल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।